गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर चैप्टर 8 एडवेंचर इन द वुड्स एंड आई टॉट यू टिल हियर. मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये पेज हम लोगों ने पढ़ के कम्प्लीट कर लिया था. मुझे उम्मीद है आप सबको ये यहाँ तक स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. ये स्टोरी किसके बारे में बच्चों? मुकुल एंड टोनी. मुकुल और टोनी के बारे में, जो कंतार के एक टाउन में कंतार में रहते थे और वो दोनों फॉरेस्ट के किनारे, एक ग्रीन फील्ड था, वहाँ हमेशा खेलने जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे. और दो वो और भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे. वो खेलते खेलते इतने बिजी हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कब अंधेरा हो गया. अब वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए, बाकी दोस्त घर लौट गए. अब वो जंगल में ही भुला गए. एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत डरे हुए. So, let's start. Tony said, "We can't hope to get home tonight. Let's climb a tree and spend the night there." Mukul agreed, and soon they were sitting on a thick branch of a tree. "Let's pray to God that the elves and fairies of the woods protect us," said Mukul. तो टोनी क्या बोलता है कि मुझे नहीं लगता आज हम घर जा पाएंगे आज रात. तो हम एक काम करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और रात वहीं गुजारते हैं. तो ये कौन बोलता है बच्चों? टोनी. किसको बोलता है? मुकुल को. तो मुकुल बोलता है, हाँ टोनी, तुम सही कह रहे हो, ऐसे भी आज रात हम घर नहीं जा पाएंगे. तो वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, पेड़ की जो मोटी टहनी होती है, ब्रांच होती है, थिक ब्रांच, मोटी ब्रांच, उस पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि लेट्स प्रे टू गॉड, हमें गॉड से प्रे करना चाहिए कि फेरीज, परियां जो होती है वो, और एल्फ्स. एल्फ्स क्या होता है बच्चों? छोटे क्रिएचर्स होते हैं, लिटिल क्रिएचर्स विद अ ह्यूमन फॉर्म, जो इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन उनकी ईयर्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं. वो चिल्ड्रन, हम जो स्टोरीज पढ़ते हैं ना, तो वो स्टोरीज, चिल्ड्रन स्टोरीज में ये कैरेक्टर हमें मिलता है. तो बोलते हैं कि हमें गॉड से प्रे करना चाहिए कि एल्फ्स या कोई फेरीज ये जंगल में हमें बचा ले. द बॉयज सून डोज्ड ऑफ. लेट In the night, they were awakened by loud noises of metals clashing and banging mixed with people's voices. तो दोनों बॉय जो थे वो पेड़ के ऊपर टहनी पे बैठे बैठे उन्हें नींद आने लगी और दोनों सो गए. तो आधी रात जब लेट नाइट हो गई, कुछ रात और गुजर गई, तो वो उठ गए. लॉर्ड नॉय, बहुत हल्ला होने लगा. क्या चीज का? मेटल्स. ऐसा लग रहा था लोहा एक दूसरे में टकराता है तो कैसी आवाजें होती है. तो मेटल्स क्लैशिंग की आवाजें होने लगी और पीपल की वॉइस, लोगों की आवाज भी आने लगी. लोगों की आवाज से उनकी नींद टूट गई. मुकुल, वी आर सेफ, इट मस्ट बी मम एंड डैड विद द पुलिस, लेट्स गो डाउन. तो टोनी बोलता है, मुकुल हमें लगता, मुझे लगता है हम बच चुके हैं, ये मम्मी और पापा की आवाजें, हो सकता है वो पुलिस के साथ आए हैं, चलो हमें नीचे जाना चाहिए, पेड़ से नीचे उतरना चाहिए. As they approached the source of the sound, they found it was not their parents, but men carrying lanterns, axes, saws, and the bag of other tools. They were arguing about which trees they should cut. तो जब वो नीचे जाते हैं, ये सोच के कि उनके पेरेंट्स आए होंगे उन्हें लेने के लिए, तो जैसे वो आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि नहीं, वहाँ पे उनके पेरेंट्स नहीं थे. कौन थे? वहाँ पे कुछ लोग थे जिनके पास लैंटेन थी, एक्सेस कुल्हाड़ी थी और बैग ऑफ टूल्स, और एक बैग था जिसमें बहुत अलग अलग तरह के टूल्स थे. और वो ये बात कर रहे थे आपस में, एक दूसरे से ये बहस कर रहे थे कि कौन से ट्री को काटा जाए, कौन से पेड़ को काटा जाए. टोनी एंड मुकुल वे शॉक्ड टू सी दिस. दे न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू कट ट्रीज. दे रिमेम्बर्ड वॉट दे हैड लर्नड अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज फ्रॉम देयर बुक्स. जब उन लोगों ने ये बात सुनी कि पेड़ काटने की बात ये कर रहे, ये आदमी लोग पेड़ काटने की बात कर रहे, तो टोनी और मुकुल ये सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं. ठीक है, और वो जानते हैं कि ये कितना डेंजरस है पेड़ को काटना, क्योंकि उन लोगों ने स्कूल में अपनी बुक्स में पढ़ा था कि पेड़ काटना डिफॉरेस्टेशन, उन्हें डिफॉरेस्टेशन याद आ गया और क्लाइमेट चेंज कि पेड़ काटने की वजह से कितना क्लाइमेट चेंज में क्या क्या फर्क पड़ता है. तो ये इनकी बातें सुन के, पेड़ काटने वाली बात सुन के वो डर गए. मुकुल, वी कांट अलाउ दिस, वी मस्ट स्टॉप देम, टोनी सेड. तो टोनी मुकुल को बोलता है, मुकुल हमें इन्हें रोकना चाहिए, हम इन्हें काटने नहीं दे सकते, हमें इन्हें रोकना चाहिए. और वो
हमें उन्हें रोकना चाहिए। कौन बोलता है बच्चों? टोनी बोलता है मुकुल से कि हम उन्हें काटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो बुक्स में उन्होंने पढ़ा था कि पेड़ काटना अच्छा बात नहीं है, इसे क्लाइमेट में बहुत इफेक्ट पड़ता है, काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल हैबिटेट लॉस हो जाता है, बहुत सारी रीजन की वजह से वो सोचने लगते हैं। वेट, दे लुक सो डेंजरस, लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, सेड मुकुल। तो मुकुल बोलता है रुको टोनी, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं जाओ, वो बहुत डेंजरस लग, बहुत खतरनाक लग रहे हैं, देखो पहले देखने तो वो क्या करना चाहते हैं। द बॉयज हिड बिहाइंड अ बुश एंड ऑब्जर्व द मैन, नाउ दे हैड हडल्ड टुगेदर टू डिस्कस समथिंग। अब वो दोनों लड़के ने क्या किया, वो झाड़ियों के पीछे छुप के उनको ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे कि वो करना क्या चाहते हैं। और फिर क्या हुआ, नाउ दे हैड हडल्ड, हडल्ड मीन्स बच्चों क्राउडेड टुगेदर, अब सब वो दोनों पूरा भीड़ लगा करके और कोई चीज के बारे में डिस्कस करने लगे। सो चिल्ड्रन टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, आई विल कंटिन्यू फर्दर इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।